वीर बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों के प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं झारखंड का बेटा हूं, क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ था तब झारखंड और बिहार एक थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो, उससे हमारे राज्य का देश विदेश में शर्मसार हुआ है। क्यों कारखाने हमारे राज्य में हमारे जिले में नहीं लगते? क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है। आज ये वादा करने आया हूं आप लोगों से, चिराग पासवान हर सुख दुख में, हर आपके हक अधिकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है। जम्मू के अटल स्मृति भवन परिसर में वीर बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों के प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं झारखंड का बेटा हूं, क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ था तब झारखंड और बिहार एक थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो, उससे हमारे राज्य का देश विदेश में शर्मसार हुआ है। क्यों कारखाने हमारे राज्य में हमारे जिले में नहीं लगते? क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है। आज ये वादा करने आया हूँ आप लोगों से, चिराग पासवान हर सुख दुख में, हर आपके हक अधिकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है। जम्मू के अटल स्मृति भवन परिसर में वीर बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों के प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं झारखंड का बेटा हूं, क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ था तब झारखंड और बिहार एक थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो, उससे हमारे राज्य का देश विदेश में शर्मसार हुआ है। क्यों कारखाने हमारे राज्य में हमारे जिले में नहीं लगते? क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है। आज ये वादा करने आया हूँ आप लोगों से, चिराग पासवान हर सुख दुख में, हर आपके हक अधिकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है। जम्मू के अटल स्मृति भवन परिसर में वीर बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों के प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं झारखंड का बेटा हूं, क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ था तब झारखंड और बिहार एक थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो, उससे हमारे राज्य का देश विदेश में शर्मसार हुआ है। क्यों कारखाने हमारे राज्य में हमारे जिले में नहीं लगते? क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग
आशा नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है। आज ये वादा करने आया हूं आप लोगों से, चिराग पासवान हर सुख दुख में, हर आपके हक अधिकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। जम्मू के अटल स्मृति भवन परिसर में वीर बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों के प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं झारखंड का बेटा हूं, क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ था तब झारखंड और बिहार एक थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो, उससे हमारे राज्य का देश विदेश में शर्मसार हुआ है। क्यों कारखाने हमारे राज्य में हमारे जिले में नहीं लगते? क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है। आज ये वादा करने आया हूँ आप लोगों से, चिराग पासवान हर सुख दुख में, हर आपके हक अधिकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। जम्मू के अटल स्मृति भवन परिसर में वीर बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों के प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं झारखंड का बेटा हूं, क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ था तब झारखंड और बिहार एक थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो, उससे हमारे राज्य का देश विदेश में शर्मसार हुआ है। क्यों कारखाने हमारे राज्य में हमारे जिले में नहीं लगते? क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है। आज ये वादा करने आया हूँ आप लोगों से, चिराग पासवान हर सुख दुख में, हर आपके हक अधिकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है।